अच्छा अच्छा मैं राम हूं और तुम लक्ष्मण हो मेरे भाई, तो एक बात बताओ, हमको तो अयोध्या में होना चाहिए, हम यहां जंगल में क्यों आए हैं? और जंगल में हम यहां कर क्या रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज देवी खो गई है, उनको ढूंढ रहे हैं। देवी? कौन देवी? का देवी? किस देवी को ढूंढ रहे हैं? यानी जो सीता जी को ढूंढ रहे थे, वो अन्वेषण का जो कार्य कर रहे थे, वो भी विस्मृत हो गया। ऐसी समाधि। का देवी? लक्ष्मण जी ने कहा, जनकाधिराज तनया। महाराज जनक की पुत्री सीता जी उनको ढूंढ रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा सीता जी, हा जानकी क्वासी, हा जानकी कहकर पछाड़ खा के गिर गए, बेहोश हो गए। इस लीला को देखा, शिव जी ने भी देखा और भवानी ने भी देखा। शिव जी ने इस लीला को देखा, विभोर हो गए और खूब आनंद पूर्वक उस छवि को देखकर, भगवान जो ये लीला कर रहे थे, इसको खूब नेत्रों में भर लिया। लेकिन पास जाकर के जान पहचान नहीं किया, पास नहीं गए, क्योंकि इस समय भगवान की लीला चल रही है। जाकर के यदि हम बात करेंगे, प्रणाम करेंगे, कुछ करेंगे, तो आउट हो जाएगा। देखो, जैसे किसी का कोई मित्र हो, या बेटा हो, या बेटी हो, कोई भी रिश्ते वाला हो, सखा हो, और स्टेज के ऊपर कोई नाटक चल रहा हो और वो दर्शकों में बैठा हो, और किसी का मित्र स्टेज के ऊपर भिखारी की एक्टिंग कर रहा हो, है तो करोड़पति अरबपति, लेकिन एक्टिंग कर रहा भिखारी की, और बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, और उसका सखा देख रहा है उस एक्टिंग को, तो क्या वो स्टेज पर जाके ये कहेगा, अरे क्यों ऐसे चिल्ला रहा है, रो रहा है, तू काहे का भिखारी है, तू तो करोड़पति है, पर मैं हूं ना तेरा मित्र, काहे को रो रहा है, ऐसा बोलेगा जाकर? अरे ऐसा बोलेगा तब तो सारा चौपट हो जाएगा, ड्रामा ही खत्म हो जाएगा। और स्टेज पर जाकर यह भी नहीं बोलेगा, वाह वाह भाई तुमने बहुत बढ़िया एक्टिंग की, यह भी नहीं बोलेगा, उसकी एक्टिंग को देख करके विभोर होगा, वाह क्या बढ़िया लीला चल रही है। ऐसे ही भगवान शंकर, उन्होंने इस लीला को देखा और लीला को देखकर विभोर हो गए और उस छवि को अपने नेत्रों में भर लिया, और उस भवानी को अपने साथ लेके बोले चले। कही सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद, ऐसा बोल करके भवानी को साथ लेकर के चले। अब ध्यान दीजिए, इसी लीला को भवानी ने भी देखा, लेकिन भवानी की बुद्धि में संशय पैदा हो, क्यों? शंकरु जगत बंद जगदीशा, शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता, सुर नर मुनि सब नावत सीता, तीन नृप सुत ही Oh,
सब प्रणाम करते हैं, शंकरु जगत वंदे जगदीशा, और वो जगदीश हैं, जगत के ईश हैं, भगवान हैं, उनको सब प्रणाम करते हैं। उन शंकर जी ने इन दोनों राजकुमारों को प्रणाम किया और कहा सच्चिदानंद। तो ये कैसे? हृदय में संदेह पैदा हो गया, ये भगवान कैसे होते हैं, कैसे हो सकते हैं? अरे भगवान तो उसको कहते हैं कि कबहू योग कबहू जोग वियोग न जाके, का नाम भगवान होता है जिसका न किसी से कभी योग होता है और न कभी किसी से वियोग होता है। बहुत बुद्धि से समझने की चीज है ये, न योग होता है न वियोग होता है। अरे महाराज गजब कर रहे हैं आप, भगवान का क्या किसी से योग नहीं होता? अरे भगवान का तो सबसे योग रहता है ना, वो तो सर्वव्यापक है। एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वेद कहता है। वो सबके भीतर भी बैठा है और परमाणु परमाणु में भी व्याप्त है। तो फिर भगवान का किसी से योग नहीं होता कभी, ये कैसे कहा गया है? कैसे कह रहे हैं ये? इसलिए कह रहे हैं कि भगवान का कभी किसी से योग होता नहीं और वियोग भी होता नहीं, तो नित्य संयोग रहता है। तो जहां नित्य संयोग रहता है वहां योग होना या वियोग होना ये नहीं कहा जा सकता। नहीं समझे आप लोग? चलिए मोटी अकल से समझिए, इस चौपाई को तो समझ कर आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहां संसार में अब पृथ्वी पर एक दिन होता है, हाँ, और रात भी होती है, हाँ, दिन रात दोनों होते हैं, हाँ। अब आप एक बात बताइए कि सूर्य लोक में दिन होता है कि रात होती है? तो आप लोग कहेंगे वहां रात कैसे होगी? अरे वहां तो सदा प्रकाश है, तो वहां तो हमेशा दिन रहता है, हमेशा दिन ही होता है सूर्य लोक में। नहीं नहीं नहीं, सूर्य लोक में दिन होता है यह भी नहीं बोला जाएगा। दिन होता है यह तो वहां बोला जाएगा जहां कभी रात होती हो, वहां बोला जाएगा कि दिन होता है। लेकिन सूर्य लोक में तो दिन ही दिन सदा है, वो तो प्रकाश का पुंज है, इसलिए वहां यह भी नहीं कहा जाएगा कि वहां कभी दिन होता है। ऐसे ही भगवान का सदा सबसे नित्य योग रहता है, इसलिए न कभी किसी से उनका योग होता है और न वियोग होता है। ऐसी पर्सनैलिटी है, और ऐसी जो पर्सनैलिटी है जिससे किसी का न योग होता है न वियोग होता है, उसके प्रकट विरह दुख देखा, इसलिए शंकर जी ने तो प्रणाम किया। लेकिन सती ने डाउट किया और कई प्रकार से सती ने तर्क किए, बुद्धि लगाई, ये राम भगवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान की जो परिभाषा वेदों में बताई गई है, शास्त्रों में बताई गई है, एक भी परिभाषा राम पर लागू नहीं हो रही है। अब कई परिभाषाएं सती ने लागू करने का प्रयास किया। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म जो व्यापक
बीरज अज अकल अनीह अभीर सो की देह धरी होई नर जाहिन जानत वीर। इतनी सारी बातें सती ने राम पर लागू करने का प्रयत्न किया। ब्रह्म किसको कहते हैं? पहली बात, ब्रह्म किसको कहते हैं? जो अनंत मात्रा का बड़ा हो, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाए, उसको ब्रह्म कहते हैं। और ये राम ए तो 6-7 फीट के हैं। अरे त्रेतायुग की बात है तो मान लो उसके अनुसार 10-20 फीट के रहे हो, जो भी लंबाई उस समय मनुष्यों की रहती होगी। ब्रह्म अनंत मात्रा का बड़ा होता है और ये तो छोटे से। ब्रह्म व्यापक होता है, सर्वत्र व्याप्त रहता है और ये तो एकदेशीय है। ब्रह्म बीरज होता है, बीरज माने जिसके कोई कामना नहीं होती। लेकिन भाई इनके तो ये तो जनकपुर जा रहे हैं और जनकपुर में वहां पर खूब पहुनाई हो रही है और खूब रसगुल्ला हलवा मालपुड़े सब खा रहे हैं, फिर अयोध्या में भी सब कुछ खा रहे हैं, तो ये बीरज कहां है? और ब्रह्म तो अज होता है, उसका जन्म नहीं होता। लेकिन ये तो दशरथ के पुत्र हैं, इनके पिताजी अभी हैं, किसी से जाके पूछो इनके पिता थे कि नहीं, तो ये अज नहीं है। कौशल्या तो अभी जीवित है, दशरथ चले गए तो मां से पूछ लो। अकल, ब्रह्म सुंदर नहीं होता और ये तो परम सुंदर है। जनक दीवाने हो गए, शूपण का दीवानी हो गई। अनीह, जिसके कोई इच्छा न हो, जिसके मन न हो, और इनके तो इच्छा हो रही है। ये तो कहते हैं भुज उठाई पन कीन। अभेद, जिसमें भेद बुद्धि न हो, वो ब्रह्म होता है और इनमें तो भेद बुद्धि है। ये तो शूपण का से कहते हैं कि सीता मेरी पत्नी है और तुम तो पराई स्त्री हो, मैं कैसे तुमसे विवाह कर सकता हूं। ये ब्रह्म की जो परिभाषाएं बताई गई है शास्त्रों वेदों में, सती ने लागू करने का प्रयत्न किया, एक भी परिभाषा लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब राम भगवान नहीं है, ये सती ने निश्चय कर लिया। राम ये जो खोज रहे हैं सीता जी को, ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन फिर सोचा, यदि भगवान नहीं होते तो शंकर जी प्रणाम कैसे करते? और शंकर जी तो शंभु गिरा पुनि मृखा न हो, शिव सर्वज्ञ जान सर्व होई, शिव सर्वज्ञ जान सर्व होई। शंकर जी झूठ कैसे बोल सकते हैं? उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। और शंकर जी सर्वज्ञ हैं, सती ये मान रही हैं कि शंकर जी सर्वज्ञ हैं और उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती है। और उन्होंने राम लक्ष्मण को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया है, तो इसका मतलब ये भगवान हैं। लेकिन फिर भी मैं भी तो कुछ हूं, मेरी बुद्धि कह रही है कि ये भगवान नहीं है। विष्णु जो सूर हित नर तनु धारी, विष्णु जो सूर हित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी,
सर्वज्ञ जगत्रि भगवान भी सर्वज्ञ हैं, फिर वो एक अज्ञ की तरह अपनी पत्नी को कैसे खोज सकते हैं। इसलिए सती को भ्रम पैदा हुआ और उस संदेह को भगवान शंकर ने जाना। शंकर जी की तो ये अवस्था थी कि सच्चिदानंद ब्रह्म के प्रणाम ही नहीं किया। जब सती जी के साथ जा रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू चल रहे थे और बार बार शरीर में पुलकावली हो रही थी, रोमांच हो रहा था। यह दशा देख करके विशेष संदेह हो गया। तब शंकर जी ने बहुत प्रकार से सती को समझाया, देखो हम लोग जिनकी कथा सुनकर आए हैं अभी कुंभज ऋषि से, ये वही राम है। और ऋषि को जो मैंने भक्ति का तत्व बताया था ना, जिनकी भक्ति मैंने उनको बताई, ये वही राम है। मुनि शिवजी का उपदेश सती को लगा नहीं। तब भगवान शंकर ने कहा, अच्छा भाई यदि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है और तुमको इतना संदेह है तो जाओ परीक्षा लेके आ जाओ। लेकिन देखो विवेक विचार करके परीक्षा लेना, बात सोच समझ करके परीक्षा लेना। लेकिन तुम चली जाओ और परीक्षा ले लो, अब तो कम से कम समझ जाना चाहिए, अब भी नहीं समझी। और परीक्षा लेने के लिए चली। शंकर जी ने कहा, यहां ही हम बैठे हैं वृक्ष की छाया में और तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, परीक्षा लेकर आना तब हमें बताना। और वहां भगवान का नाम जपने लगे और वहां पर एक बात भगवान शंकर ने कही है, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम होगी, उन्होंने जो रच रखा है वही होगा, अपन क्यों इस बारे में कुछ सोचे।
ये ऐसी चौपाई है रामचरित मानस की, इस चौपाई का इतना गलत अर्थ हम लोगों ने किया है। अरे सब वो कराता है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये भी एक बात है, सबके भीतर वो बैठे हैं, वो सबको घुमाते हैं। अरे गीता में भी तो कहा ना, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शेरजुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में बैठे रहते हैं, वो सबको घुमाते हैं, सबको प्रेरित करते हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, वेद भी कहता है सब कुछ उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, फिर वेद कह रहा है सबका प्रेरक वो है, कराने वाले वो हैं। और ये जो भगवान शंकर ने कह दिया हो यही सोई जो राम रति राखा, हा तब तो हमको एकदम पक्का प्रमाण मिल गया। और इस चौपाई का गलत अर्थ करके एक वाक्य बना है हमारे संसार में, वो वाक्य बहुत प्रचलित है, आप लोग भी उस वाक्य को कई बार बोला करते। कौन सा वाक्य? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, बोलते हैं ना हम लोग, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका मतलब पत्ता भी हिलता है तो भगवान की इच्छा से ही हिलता है। जी हां, तो क्यों जी एक बात बताइए, यदि पत्ता भी भगवान की इच्छा से हिलता है तो तुम जो हिल रहे हो वो भी भगवान की इच्छा से हिल रहे हो, ये मतलब हो गया। जी हां, अरे हम लोग तो खूब बोलते हैं यदि हमसे कोई गलत काम हो जाए ये कैसे हो गया, अजी सब भगवान की इच्छा, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और फिर ये प्रमाण भी दे देते हैं। तो एक गलत सिद्धांत संसार में प्रचारित हो गया, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। तो इसका मतलब तो ये हो जाता है कि हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का करवाने वाला, उनका प्रेरक, उसका डायरेक्टर, उसका संचालक भगवान है। और यदि भगवान हमसे कर्म करवा रहा है तो फिर सोचने समझने की आवश्यकता ही क्या है, वो करवा रहा है, सब करवाने वाला वो। आज से आप लोग इस बात को याद कर लो, इस प्रसंग में समझ लो कि ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान हमसे कोई कर्म नहीं करवाता है, हमारे कर्मों का करवाने वाला भगवान नहीं है। क्यों? कई कारण है उसके, मैं बहुत संक्षेप में आपको इशारे में बता देता हूं। यदि भगवान हमसे कर्म करवाता ना, हाँ, तो पहली बात क्या होती जानते हैं आप? पहली बात क्या होती? हमसे कोई भी काम गलत नहीं होता। अरे जब करवाने वाला भगवान है तो भगवान तो नित्य ज्ञान में है, नित्य आनंद में है, तो फिर हमारे जो भी कर्म होंगे वो सब सही सही होना चाहिए। ड्राइवर ठीक होगा तो गाड़ी ठीक चलेगी, ड्राइवर गड़बड़ होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि हमारा ड्राइवर, डायरेक्टर, प्रेरक भगवान है तो चूंकि भगवान नित्य ज्ञान में है तो इसका मतलब हमसे कोई भी कर्म गलत नहीं होना चाहिए, सब कर्म सही होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। नंबर दो, यदि भगवान हमारे कर्मों का कर्ता होता तो सबसे एक जैसा कर्म करवाता, या तो सबसे अच्छा अच्छा कर्म करवाता या तो बुरा बुरा कर्म कराता, वो तो समदर्शी है ना, समोहम सर्वभूतेषु। लेकिन एक को सूरदास जी, मीरा जी, नानक जी, कबीर जी बना दे और हमसे बुरे कर्म करवावे, ऐसा विषम दर्शित्व का कार्य समदर्शी भगवान के यहां नहीं हो सकता।
और यदि कोई ऐसा भगवान है जो विषम दर्शित्व का कार्य कर रहा है, एक से कुछ कर्म करावे दूसरे से कुछ कर्म करावे, तो फिर उसको हम भगवान नहीं मान सकते। नंबर 3, यदि भगवान हमसे कर्म करवाता, सबसे स्ट्रांग पॉइंट, यदि भगवान हमसे कर्म करवाता तो उसका फल स्वयं भोगता, हम क्यों भोगे? अरे कर्म करवावे भगवान और 84 लाख में घूमे हम, ये तो बड़ा भारी अन्याय है भाई। ये तो ऐसी बात होगी कि खावे रमेश उल्टी करे दिनेश। कर्म करवावे भगवान फल भोगे हम, इससे समझ में आता है कि भगवान हमसे कर्म नहीं करवाते हैं। नंबर 4, चौथा पॉइंट, यदि भगवान हमसे कर्म करवाता तो विधि निषेध क्यों बनाता? हमारे शास्त्रों वेदों में विधि निषेध लिखे हैं। विधि माने ये करो ये करो, इसको कहते विधि। निषेध माने ये न करो ये न करो, इसका नाम निषेध। तो यदि भगवान हमसे कर्म करवाता तो ये विधि निषेध क्यों बनाता? फिर तो एक वाक्य लिख देता वेद में, ऐ मनुष्यो जीवो, तुम्हें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम जो कर रहे हो मैं करवा रहा हूं। कोई महात्मा संत क्या प्रवचन देता? बस इतना ही प्रवचन देता, आगे प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि भगवान हमसे कर्म करवाते तो विधि निषेध क्यों बनाते? 5वां पॉइंट और महत्वपूर्ण, यदि भगवान हमसे कर्म करवाते तो स्वर्ग नरक की रचना क्यों करते? एक स्वर्ग है एक नरक है। और छोड़ो नरक स्वर्ग को, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कहां नरक स्वर्ग है जी, वो नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता है, जो कुछ है इस धरती पर ही देख लो, धरती पर ही है। ऐसा नहीं है, नरक लोक भी हैं, स्वर्ग लोक भी हैं, भगवान के धाम भी है, सब है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि जी नरक लोक है तो लोक है तो फिर वो हमको दिखाओ दिखाओ, अरे बहुत बार तुमने देखा है, फिर शौक है क्या तुमको नरक जाने का? नहीं तो देखे बिना कैसे मान ले कि नरक है? अच्छा तो जिसको देखते हो उसी को मानते हो क्या? जिसको तुम देख लेते हो उसी को मानते हो क्या? हाँ जी, हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण में विश्वास करते हैं। अच्छा तो क्या तुमने अमेरिका देखा है? हो सकता है यहां जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ लोग अमेरिका गए हो, ज्यादातर तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने अमेरिका नहीं देखा। देखा नहीं ना अमेरिका? ना, फिर भी मानते हो कि नहीं कि अमेरिका है? बिना देखे मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ मानते हैं। अरे कितनी चीजों को तुम बिना देखे मानते हो, ज्यादा विस्तार नहीं कर सकेंगे। तो नरक लोक भी है स्वर्ग लोक भी है, लेकिन मृत्यु लोक में समझ लो, चलो छोड़ो उस विषय को। यहां पर देखो संसार में कितना ऊंच नीच है, एक करोड़पति है एक रोड़पति है, एक सुंदर है एक कुरूप है, एक मनुष्य है एक कुत्ता है एक गधा है, एक स्वस्थ है एक लूला है, एक देखता है एक अंधा है। ये कितनी विषमता, ये कैसे? कभी आपने इसका विचार किया है? अरे संसार में जो अनेक प्रकार के क्लास हैं ये कैसे, और इन क्लासों को ये जो वर्ग है इनको हम स्वीकार भी करते हैं। देखो एक मनुष्य है, जी हां आप में से बहुत से लोग यहां पर बैठे होंगे कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे,